सीन में हम देख रहे हैं काफी जो हमारी प्यारी सी जो बहू है पुष्पा की, उदास सी हो गई है। ऐसा क्या हो गया है? अभी बहुत कुछ ड्रामा ड्रामा देखने मिलेगा आप लोगों को दीप्ति को लेकर भी, कि बहुत सारी चीज़ें दीप्ति को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं स्टमक में और सडनली पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जस्ट गायनेक को वो चेकअप करवाने के लिए आते हैं बिकॉज दीप्ति को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन एंड शी इज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ इट। तो डॉक्टर के पास बस चेकअप के लिए आई है और इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस है डॉक्टर इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट, बट होपफुल होकर आई थी कि चलो नॉर्मली होगा, लेकिन कुछ डरावनी चीज़ें ही सुनने मिल रही है डॉक्टर से दीप्ति को। सो लेट्स सी ये आगे कहाँ से कहाँ जाता है, बट फिलहाल तो दीप्ति को यही जानने मिल रहा है कि दैट कि सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है या तो बेबी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो ऐसे सारे ट्रैक्स में आपको काफ़ी कुछ सुनने मिलेगा और बहुत सारी नॉलेज भी होगी, जैसे कि हमारे शो में बहुत सीख तो मिलती ही है। सो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही नॉलेजेबल एक मैसेज मिलेगा जिससे आप लोगों को भी हेल्प हो सकती है कि कभी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे कैसे टाइप के डॉक्टर्स को आपके पास सलाह के लिए जाना चाहिए, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट। सो दैट वे सो अभी तो फिलहाल दीप्ति टेंशन में ही है और उसी वजह से उदास है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सीरियल के माध्यम से महिलाओं को एक मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं छोटी मोटी समस्याओं को लेके वो गायने के पास नहीं जाती, वो सोचती है अपने आप सही हो जाएगा, बट वो आगे चल के काफ़ी बड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वैसे तो आपको चेकअप करवाने चाहिए है कि क्या इशू है। अगर वो बहुत मेजर है और वो लास्ट कर रहे हैं आपकी बॉडी में आई थिंक वो पेन फॉर अ वीक और वीक से ज़्यादा, तो आई थिंक ये फिर सीरियस चीज़ है, आपको एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाना ही चाहिए। बहुत लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि खुद ही से ठीक हो जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो राइट कि मेडिसिन की ज़्यादा भी आदत नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये भी चीज़ होनी चाहिए कि आप अगर ज़्यादा सीरियस लग रहा है और पेन क्योर हो ही नहीं रहा है तो इट्स यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर ताकि क्या है क्या नहीं। तो वही दीप्ति ने किया है फिलहाल एंड बहुत सारे कनेक्टेड आपको ट्रैक देखने मिलेगा। ये तो चलिए बात तो थी सीन की, मगर आज पुष्पा जी का भी बर्थडे है तो उनको किस तरीके से आप विश करेंगी, क्या सेलिब्रेशन के लिए क्या कुछ? पुष्पा का तो बर्थडे है, हमने बहुत सेलिब्रेट कर लिया बिकॉज आज बर्थडे है तो वो चाहती है कि अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करें, तो कल हमने एडवांस में सेलिब्रेट कर लिया, डिनर था यहाँ पे, लंच था सबके लिए, पूरी यूनिट के लिए पुष्पा की तरफ से, फिर केक कटिंग हुई और बहुत सारे सरप्राइजेस दिए हमने उन्हें। आज जब वो मॉर्निंग में आई तब उनका रूम पूरा डेकोरेटेड था हमारी टीम मेंबर ने किया था। सो या इट्स वन एंड जितनी वो खुश है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग खुश है कि उनका बर्थडे है। सो या वी आर एंजॉयिंग। लास्ट क्वेश्चन, अपने इंस्टाग्राम फैमिली के लिए क्या बोलना चाहेंगे? प्लीज़ फॉलो मी, ऐसे ही फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम फैमिली, और जो इंस्टाग्राम पे जो मेरे शो नहीं देख रहे हैं प्लीज़ मैं चाहूँगी कि वो लोग भी शो देखें बिकॉज ये शो सिर्फ एक नॉर्मल शो नहीं है, नॉर्मल डेली सोप नहीं है जहाँ पे आपको सिर्फ ड्रामा दिख रहा है, सास बहू के नखरे दिख रहे हैं घर में ये ताकि एंटरटेनमेंट मिले। इट्स मोर अबाउट आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है, काफ़ी कुछ सीख मिलती है। सो एंड फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर जो घर बैठकर भी बहुत कुछ सीखना चाहती है एज़ पर द नॉलेज वाइज, सो ये शो आपको उनमें वुमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं देता है, तो इस शो से काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। सो प्लीज़ वॉच आवर शो एंड कीप लविंग इट लाइक द वे यू गाइज आर डूइंग ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट।